الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان محترم अल्लाह रब्बुल इज्जत के दुनिया में हजरत इंसान को भेजने का मकसद वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना, अल्लाह की नेकियों को बजा लाना, अल्लाह की मना करदा बातों से इंसान का बाज रहना। यही मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसान की पैदाइश के पीछे रखा है। अब जब हजरत आदम व अम्मा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से खता और लफ्ज़िश जन्नत में हो गई और उसकी सजा भुगतने के लिए अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों को दुनिया में भेज दिया। भेजने के बाद अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को ये नहीं कहा कि अब तुम दुनिया में आ गए, आसमान के नीचे हो, यहां पर दरिंदे हैं, शेर हैं, बाघ हैं, काटने वाले सांप हैं, काटने वाले बिच्छू हैं, यहां पर तुम अपने लिए अपना घर बनाओ। अल्लाह ने यह नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह हुक्म देकर भेजा कि हम इंसान को जो पैदा किए हैं वो हमारे इबादत के लिए पैदा किए, लिहाजा जाओ हमारे खलीफा हजरत आदम को यह हुक्म सुनाओ कि अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम दुनिया में अपना घर बनाने से पहले अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाओ, काबतुल्लाह बनाओ, बैतुल्लाह बनाओ, मस्जिद हराम बनाओ, पक्का बनाओ, मस्जिद कदीम बनाओ। अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म दिया कि दुनिया में हमारी इबादत होनी चाहिए, लिहाजा अपनी छत बनाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए घर बना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम
अपने साथ चंद फरिश्तों को लेकर। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आसमानों से जमीन पर ले आए और ले आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम सुनाया और कहा कि ऐ आदम, आपको अल्लाह यह हुक्म दे भेजे हैं कि आप इस दुनिया में सबसे पहले अल्लाह का घर बना। उसी घर को हम काबतुल्लाह और बैतुल्लाह से याद करते हैं। इससे हमारा एक खास ताल्लुक है, हम मुसलमानों का एक खास रिश्ता है, एक खास मोहब्बत तो लगाओ हम खाने काबा से रखते हैं। हमारे मुसलमान होने का फरीजा यह है कि हम अपने किबले की तारीख को मालूम कर रखें। हमारा किबला खाना काबा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी तामीर कैसे हुई, कितनी मर्तबा इसको तोड़ा गया और कितनी मर्तबा इसको बनाया गया, कैसे कैसे लोगों ने इसकी तामीर की, इसको बनाया। हम मुसलमानों का फरीजा यह है कि जैसे हम दूसरी तारीख का इल्म रखते हैं, सबसे पहले हम जिस जगह की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते हैं उस जगह का हम अपनी जिंदगी अपने दिलों में इल्म रखें। लेकिन अफसोस है 50 साल से, 60 साल से, 40 साल से, 30 या 25 साल से जिस क़िबले की तरफ रुख करके 5 वक्त जुमा, ईद और दीगर नमाजें पढ़ रहे हैं उसी क़िबले का इल्म हम नहीं जानते। कितनी अफसोस और शर्म की बात है। तो दोस्तों, इसी इरादे से मैं कुछ इसी उन्वान पर, इसी मौजू पर आपके सामने बात करना चाहता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले खाने काबा को जो दुनिया में बनाए हजरत आदम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो सलाम के साथ बनाए। फिर ये खाने काबा की तामीर एक लंबे जमाने तक बाकी रही। लोग खाने काबा में अल्लाह की इबादत करते। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी हैं, उनका इंतकाल हो गया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अपनी कौम में दावत और तबलीग की, अपनी कौम को बुत परस्ती कुफ्र और शिर्क से हटाकर एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को 950 साल बुलाए। जवाब में 80 या 82 लोग मुसलमान हुए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, रब्बी ला तदर अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे हुक्म से मैं इस धरती पर 950 साल तेरे बंदों को तेरी इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। ऐ अल्लाह, इन तमाम को हलाको बर्बाद कर दे। उधर अल्लाह के नबी हाथ उठाकर बद्दुआ की तो अल्लाह ने सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान पैदा कर दिया। उस तूफान के असर में जैसे लोगों के घर टूटे फूटे, उस तूफान के असर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में बनाया गया खाने काबा की इमारत भी टूट गई, पानी में बहकर चली गई, दीवारें गिर गई, खाने काबा का नामो निशान मिट गया। लेकिन उसका जो पाया था अल्लाह के हुक्म से जमीन के अंदर वैसे ही बाकी था। सिर्फ दीवारें टूटी थी, पाए पर मट्टी आ गई थी और वो बुनियाद वैसे ही बाकी थी। फिर एक लंबा जमाना गुजरा। फिर हजरत
हजरत इब्राहिम के दिल में अल्लाह की बहुत बड़ी मोहब्बत थी, बहुत बड़ा शौक वो अल्लाह को राजी करने का अपने दिलो दिमाग में रखा करते थे। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से बहुत सारे इम्तिहान दिए। आप अपना जिगरी दोस्त किसी इंसान को उस वक्त तक नहीं बनाते जब तक कि आप उसको किसी ना किसी चीज में ना आजमा लें। कभी आप पैसे देकर आजमाते हैं, कभी आप अपने दोस्त से चंद वक्त मांगकर आजमाते हैं, कभी आप अपने दोस्त से सवारी मांगकर आजमाते हैं, कभी कोई और चीज मांगकर आजमाते हैं। तो अल्लाह भी हजरत इब्राहिम को अपना दोस्त बनाना चाहते थे तो बहुत सारे इम्तिहान उनसे लिए, आजमाए। अब सवाल ये है, अल्लाह को आजमाने की जरूरत क्या थी? अल्लाह तो दिलों के भेदों को जानते हैं, कौन इम्तिहान में कामयाब होगा कौन नाकाम होगा अल्लाह ताला हर एक को जानते हैं। तो अल्लाह हजरत इब्राहिम के बारे में भी जानते थे, फिर हजरत इब्राहिम से इम्तिहान क्यों लिया अल्लाह? अल्लाह कामयाब होना या नहीं होना इसलिए नहीं लिया, अल्लाह को मालूम था कि हजरत इब्राहिम जरूर कामयाब होंगे, लेकिन हजरत इब्राहिम की मोहब्बत, हजरत इब्राहिम की वफादारी को सारी दुनिया के सामने अल्लाह पेश करना चाहते थे, इसलिए अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम से इम्तिहान। तो दोस्तों, जहां अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को बहुत सारे कामों का हुक्म दिया, वहीं पर एक बहुत बड़ा हुक्म अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को यह दिया कि ऐ इब्राहिम, तुम हमारी इस धरती पर खाने काबा की तामीर करो। अभी दूसरी मर्तबा तामीर हो रही है, पहली मर्तबा फरिश्तों के जरिए और हजरत आदम के जरिए से हुई खाने काबा की तामीर, अभी दूसरी मर्तबा दुनिया में खाने काबा को बनाया जा रहा है। अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम, अपने बेटे को साथ ले लो और अल्लाह के घर को आबाद करो, इसकी तामीर करो, इसकी दीवारें बनाओ। कहां बनाना है अल्लाह मियां? हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा कि जाओ, जाकर कहो कि पहली मर्तबा जहां पर इस दुनिया में सबसे पहले अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद बनाई गई थी उसकी बुनियाद बाकी है, दीवारें गिर गई हैं, लिहाजा मिट्टी हटाओ, तुम्हें उसकी बुनियाद नजर आएगी, उसी पाए पर तुम अल्लाह का घर बनाना। फिर बाप और बेटे अल्लाह के हुक्म को बचा लाने में लग गए, दीवारें चढ़ाने शुरू कर दी। फिर जब हाथ से ऊपर दीवारें चढ़ानी थी उस वक्त लकड़ी का इंतजाम नहीं था, तो अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारे बस में यहां तक था तो हम बना दिए, इससे ऊपर दीवारें चढ़ाने के लिए कोई इंतजाम फरमा। तो अल्लाह ने एक पत्थर जन्नत से उतार कर कहा, इस पर तुम चढ़ जाओ, ये पत्थर तुम्हारे लिए लिफ्ट का काम देगा, चढ़कर इसको इशारा करो ये उठेगा, तुम्हें लेकर उठना शुरू होगा और जहां तक तुम्हारा जी चाहे वहां तक हुक्म ना करना, जहां पर तुम्हें रुकना हो इससे कहो कि रुक जाओ, ये जरूर रुक जाए। लिहाजा वो पत्थर के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस सलातु वस्सलाम खाने काबा की तामीर, हजरत इब्राहिम जो खाने काबा बनाए वो इस तर्ज पर था कि दरवाजा बिल्कुल जमीन से लगा हुआ था, खाने काबा का दरवाजा बिल्कुल जमीन से लगा हुआ था जैसे हमारे घरों का दरवाजा होता है, और उस खाने काबा के दो दरवाजे रखे हजरत इब्राहिम ने, एक से अंदर आना और दूसरे से बाहर जाना, एक से दूसरे से हजरत इब्राहिम ने रखा। तो अब इस तरीके पर खाने काबा को बना दिए, फिर हजरत इब्राहिम ने दूसरी मर्तबा बनाए, फिर तीसरी मर्तबा एक लंबा जमाना गुजरा, चूंकि खाने काबा पर कोई छत नहीं है, बिल्कुल खुला मैदान है, और जब बारिश गिरती है तो डायरेक्ट बारिश का पानी खाने काबा की दीवारों पर गिरता है, तो उस
बरसने के बाद बारिश का पानी गिरने की वजह से खाने काबा की दीवारें कमजोर हो गई, पोसीदा हो गई थी। तो फिर एक जमा एक कौम को ये फिक्र हुआ, ये एहसास हुआ, अरे भाई हम अपने घर तो पक्के बना रहे हैं, यहाँ पर अल्लाह का घर जिसमें अल्लाह की इबादत की जाती है उसकी दीवारें कमजोर हो गई है। कितनी शर्म की बात है कि हम जिंदा रहे और अल्लाह का घर कमजोर हो जाए। लिहाजा उन्होंने फौरन कमी महसूस कर कर कौम जरहम में, उस कौम का नाम था जहरम कौम, जहरम कौम की एक चंद लोगों ने खाने काबा को दोबारा तीसरी मर्तबा तामीर किया। फिर उसके बाद एक लंबा जमाना गुजरा, फिर बारिश की वजह से फिर दीवारें कमजोर हो गई। तो अमातिला कौम के चंद लोगों ने चौथी मर्तबा खाने काबा की तामीर की। फिर चौथी मर्तबा के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आ गया। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मियां नबी और रसूल नहीं बनाकर इस दुनिया में भेजे थे। आप आ गए थे लेकिन नबुव्वत और रिसालत अभी आपको नहीं मिली थी। तो आपके खानदान के लोगों ने देखा कि बारिश की वजह से खाने काबा नीचे था और सारा मक्का ऊपर था, तो जब पहाड़ों से बारिश आता तो बहकर सारा बारिश का पानी खाने काबा के पास आकर जमा हो जाता। पानी के जमा होने की वजह से खाने काबा की दीवारें हिलना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने एक खतरा महसूस किया कि कहीं खाने काबा गिर ना जाए, कहीं खाने काबा गिर ना जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले और मक्का में जितने कबीले थे सब कबीले के सरदारों ने मिलकर बैठकर एक जगह मीटिंग की कि भाई अल्लाह का घर की दीवारें कमजोर हो गई हैं, हिल रही हैं और हम मक्का के सरदार अपने खानदानी तारीफें करने में लगे हुए हैं, शेखी बगाने में लगे हुए हैं। अब वक्त का बड़ा तकाजा यह है कि हम अल्लाह के घर की तामीर करें। लिहाजा उन्होंने मीटिंग रखी, सब लोग बड़ी खुशी का इजहार किए, अरे भाई हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह के घर बनाने का मौका मिल रहा है, ये जरूर हमारे साथ अल्लाह कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। तो खुश हो गए, लेकिन एक शर्त रखी। वो ये रखी कि देखो भाई ये खाने काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह की मस्जिद है, ये बैतुल्लाह है, इसमें एक एक पैसा भी हलाल का लगना चाहिए, एक पैसा भी इसके अंदर हराम का नहीं लगना चाहिए। चूंकि मक्का के लोग जुआ खेलने के आदि थे, उनकी नस्लों में जुआ बसा हुआ था, तो उन्होंने शर्त लगाई कि जितना बनाएंगे अल्लाह के, जितना बनाएंगे हलाल पैसों से बनाएंगे, और जब पैसा खत्म हो जाएगा हलाल पैसा तो हमारे काबा को ही पर रोक देंगे, हलाल पैसे से इसकी तारीफ नहीं करेंगे। तो सब लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का घर है, हराम माल नहीं लगाना चाहिए। तो ये मीटिंग हुई, उठ गए। चंदी दिन गुजरे थे कि खाने काबा को तोड़ दिया गया और उसके अंदर जो मजबूत पत्थर थे उसको एक जगह रख लिए और अंदर सारे जितने बुत थे उन तमाम को निकाल दिया गया और वहां पर जो जेवरात रखे हुए थे उनको भी ले लिया गया और जो लकड़ियां मजबूत थी उसको भी एक जगह जमा कर लिया गया। लेकिन खाने काबा के करीब एक समंदर था, अरब में जिद्दा के बाहर एक समंदर है, वहां पर वहां के लोगों ने मक्का के लोगों को बताया कि अरब के समंदर में एक लकड़ियों का जहाज यानी बहुत बड़ा जहाज एक बड़ी चट्टान से टक्कर मारकर उलट गया। अब लोग गए कि वहां पर लकड़ियां सस्ते दामों में मिल जाएंगी, अब वहां पर जाकर लकड़ियां लाकर जमा किए, अब खाने काबा को बनाना शुरू किए। अब मक्का वाले बड़े गरीब लोग थे, वो मालदार नहीं थे, वो अपने घरों का बसेरा और गुजार ऐसा करते थे कि पहाड़ पर बकरियां चरा, सुबह से शाम तक बकरियां चराते और शाम होने पर दूध बकरियों का निकालकर सब पीकर सो जाते।
यही उनका खाना था। वो बड़े बड़े बिरयानी और खुरमा और वगैरह वो खाने के आदि नहीं थे। इतने गुर्बत थी उनके इलाके में, उनकी कौम में। तो बनाना शुरू किए तो तीन तिहाई बना दी। अब पैसा कम है कि खाना काबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो था वो बहुत बड़ा था। लेकिन फिर एक मर्तबा मीटिंग बैठ कर कहने लगे कि जितना पैसा है उतना खाना काबा बना दो, और जितना हिस्सा नहीं हो रहा है बनाने तो उसको मार्क डालकर छोड़ दो, मार्क बनाकर छोड़ दो। जो लोग हज या उमरा को गए हैं वो जानते हैं कि खाना काबा के बाजू एक छोटी सी दीवार है, यू शक्ल में एक छोटी सी दीवार है। वो जो दीवार है असल में वो भी खाना काबा का हिस्सा है, लेकिन मक्का वालों के पास पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने मार्क डालकर छोड़ दिया कि आइंदा कौम के पास अगर पैसा हो तो उसको मक्का खाने काबा में बना लेंगे, जिसको हकीम कहते हैं। तो दोस्तों अब मक्का के लोगों ने खाने काबा की तामीर की। एक तामीर हजरत इब्राहिम की थी कि उसके दो दरवाजे थे और दरवाजा बिल्कुल नीचे था। अब मक्का के लोगों ने हजरत इब्राहिम के बनाए हुए काबे में चंद तब्दीलियां लाए, जरा हटकर तामीर की। पैसा ना होने की वजह से खाने काबा को छोटा कर दिया और कुछ जगह खाने काबा की मार्क डालकर बाहर रख दी ताकि लोगों को मालूम रहे कि इसका हुक्म भी वही है जो खाने काबा का हुक्म है, इसकी इज्जत भी वही है जो खाने काबा की इज्जत है, इसकी बरकत भी वही है जो खाने काबा की बरकत है। और दूसरी तब्दीली ये की कि हजरत इब्राहिम दो दरवाजे रखे थे खाने काबा में, लेकिन मक्का के कुरैश के लोगों ने सिर्फ एक दरवाजा रखा। और तीसरी बड़ी तब्दीली ये की कि हजरत इब्राहिम खाने काबा का दरवाजा बिल्कुल जमीन के बराबर रखा था, जैसे हमारे घरों को होता है। लेकिन कुरैश के लोगों ने ये सोचा, ये समझा कि खाने काबा के अंदर हर शख्स जा ना सके, सिर्फ वही शख्स जाए जिसको हुकूमत से इजाजत मिले, ताकि खाने काबा के अंदर हर बड़ा छोटा दाखिल होने की हिम्मत ना करे। तो उन्होंने खाने काबा के दरवाजे को एकदम बुलंद कर दिया, ऊपर के हिस्से में कर दिया। जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि खाने काबा का दरवाजा बहुत ऊपर है, आसानी से कोई अंदर नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये हमारे खाने काबा की तामीर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत फिक्र थी और बड़ी तड़प थी, और अपनी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इरशाद फरमाते, आए आयशा मैं चाहता हूं कि खाने काबा को उसी तरीके पर बनाओ जैसे मेरे दादा हजरत इब्राहिम ने बनाया था, उन्हीं के नक्शे और प्लान के मुताबिक खाने काबा को बनाओ। लेकिन जो लोग अभी नए नए मुसलमान हुए हैं वो लोग कहीं इस्लाम से फिर ना जाएं, वो ये ना कह दे कि कैसे नबी हैं, कभी खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं और कभी अल्लाह का हुक्म कहकर खाने क़िबला ही को तोड़ देते हैं, कहीं वो लोग इस तरह के बहाने बनाकर ईमान से हाथ ना धो डाले, इस वजह से मैं खाने काबा को हाथ नहीं लगा रहा। इसके बाद अल्लाह के नबी की जिंदगी ज्यादा इस दुनिया में नहीं रही, आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। फिर लेकिन जब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा जो अल्लाह के नबी की लाडली बीवी है, उनके भांजे हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर मक्का मुकर्रमा के हाकिम हुए, खलीफा हुए, मक्का मुकर्रमा के सरदार बने, तो वह अल्लाह के नबी की हदीस को सुन रखे थे। तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक खाने काबा को तोड़कर हजरत इब्राहिम के नक्श पर खाने काबा को बना दिया, यानी उस हकीम को भी खाने काबा में शामिल कर लिया। अब उम्मत का सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा खूनी जालिम हज्जाज बिन यूसुफ
मक्का मुकर्रमा आया। हज्जाज बिन यूसुफ बड़े बड़े सहाबा को शहीद कर दिया, खून बहाना उसकी फितरत में दाखिल हो गया था। तो अब वो मक्का मुकर्रमा में आया और मक्का मुकर्रमा के सरदार हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु जो सहाबी है उनको शहीद कर दिया और लोगों को यह बरगलाया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर झूठ कह रहे हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर झूठ कह रहे हैं, अल्लाह के नबी की इस तरह की कोई हदीस नहीं है। लिहाजा लोगों को बरगला कर मक्का के लोगों को फिर खाने काबा को तोड़ दिया, फिर तोड़कर उसी तरीके पर बना दिया जैसे मक्का के लोगों ने बनाया, यानी फिर खाने काबा का कुछ हिस्सा छोड़ दिया, हतीम के लिए छोड़ दिया। उसके बाद फिर अच्छे लोगों का जमाना आया, उन लोगों ने चाहा कि हदीस में जैसे जिक्र है उसके मुताबिक हम खाने काबा को बनाए, यानी हतीम के हिस्से को भी खाने काबा में दाखिल कर दे। लेकिन मदीना मुनव्वरा में एक बहुत बड़े आलिम थे उस वक्त, हजरत इमाम बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फतवा दिया खाने काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत का घर है, लोगों के जज्बात, लोगों के ख्वाहिशात, लोगों के इरादे पूरा करने की जगह नहीं है, खाने काबा अदब व इहतराम की जगह है। ये आया तोड़ा, वो गया, फिर वो दूसरा आए तोड़ दे, ये खिलौना नहीं है, ये अल्लाह का घर है। याद रखो आज के बाद खाने काबा को तामीर के इरादे से हाथ लगाना हराम है, खाने काबा को फिर तोड़कर बनाने के इरादे से हाथ लगाना हराम है। उस वक्त के सारे उलमा और मुफ्तियों ने हजरत के फैसले पर इत्तेफाक कर लिया और करकर उस वक्त जब हज्जाज बिन यूसुफ ने जो खाने काबा बनाया था उस वक्त से लेकर आज तक वही खाने काबा। आज के हाजी या उमरा करने वाले जिस खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं उसको जो बनाया है हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, पता नहीं उसके अंदर कोई खूबी हो कि अल्लाह को पसंद आ गई हो। तो दोस्तों उसके बाद से लेकर अब तक छोटी मोटी मरम्मत तो होती है कि कुछ ना कुछ काम तो चलता है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर तोड़कर बनाना हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने से लेकर आज तक ये काम नहीं हुआ। तो दोस्तों ये हमारा पहला घर है, दुनिया के मुसलमानों में दुनिया के इंसान यहां पर आले इंसान बसने के बाद अपने रहने के लिए घर नहीं बनाए थे। इस दुनिया में अगर बना घर बना है तो सबसे पहले अल्लाह का घर काबतुल्ला बना है। कुरान साफ कहता है इन्ना अव्वल बैत वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारका हुदल लिलआलमीन। इस घर की तीन खूबियां हैं, पहली खसूसियत और पहली खूबी यह है कि दुनिया का यह सबसे पहला घर है। हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अल्लाह की इबादत के लिए दुनिया में सबसे कौन सी पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई। अल्लाह के नबी ने कहा मस्जिद हराम यानी खाने काबा। उस सहाबी ने अर्ज किया उसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो अल्लाह के नबी ने कहा बैतुल मक्दिस मस्जिद अक्सा बनाई। फिर सहाबी ने अर्ज किया इन दोनों के बनाने में कितना फासला है, अल्लाह के नबी ने कहा 40 साल का फासला है। पहले मस्जिद हराम यानी काबा बनाया गया, फिर उसके 40 साल बाद दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा बनाई गई है दुनिया के अंदर। लिहाजा पहली खसूसियत यह है के दुनिया का यह सबसे पहला घर है। और तीसरी खसूसियत यह है कि यह बरकत की जगह है, खाने काबा क्या है बरकत की जगह है। असल में यहां पर जो ये बरकत पैदा हुई है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इब्राहिम अपने छोटे लाडिले बच्चे को और अपनी बीवी को ऐसे जंगल में छोड़कर आओ जहां पर ना इंसान का बच्चा ना उड़ने
इंतजाम ना पीने का इंतजाम, वहां पर सिर्फ आपकी बीवी और आपका बच्चा रहेंगे, यह हमारा हुकुम है। छोड़कर हजरत इब्राहिम अल्लाह का हुक्म पूरा करते हुए छोड़कर आए, लेकिन चूंकि हर इंसान के दिल में अपनी बीवी और बच्चों के लिए खास तरह की मोहब्बत होती है और एक खास तरह का शौक होता है उनको पालने का हर इंसान के दिल में। अब यहां पर अल्लाह का हुक्म तो छोड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते हजरत इब्राहिम आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, अरे अल्लाह जा तो रहा हूं यहां से आपको आपका हुक्म पूरा करने के लिए, लेकिन मौला यहां पर एक बस्ती को आबाद फरमा, यहां पर एक बस्ती को आबाद फरमा और यहां के लोगों को अच्छा फल फ्रूट दे और यहां के लोगों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम फरमा और यहां पर अनाज को पैदा फरमा। अब जो लोग मक्का गए हैं वो जानते हैं कि मक्का जो है पूरा पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, मक्के की जमीन किसी चीज को उगाने के अपने अंदर ताकत नहीं रखती, वहां तो पत्थर ही पत्थर है, मट्टी का नामो निशान नहीं। अब एक तरफ अल्लाह के खलील की दुआ है, ऐ अल्लाह यहां पर चीजों को उगा, यहां के लोगों को अच्छी रोजी दे, तो अब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की दुआ को कबूल की इस शक्ल में। मुल्क शाम बड़ा जरखेज इलाका है, खेती बाड़ी के एतबार से, बागात के एतबार से मुल्क शाम, वहां पर बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें भी हैं, तो वहां पर बहुत सारे बागात हैं। तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे खलील मुझसे दुआ कर रहे हैं कि मक्के को मैं आबाद करूं झाड़ियों से, लिहाजा तुम मुल्क शाम के एक बड़े बाग को ले जाकर मक्का शिफ्ट कर दो। अब वहां की एक बस्ती को लाकर मक्का मुकर्रमा अरब में दाखिल कर दिए, जिसे लोग ताइफ से याद करते हैं। वहां पर खजूर के बागात हैं, ताइफ में खजूर के बागात हैं, वो ताइफ असल जगह मुल्क शाम की है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल के जरिए से वहां से यहां पर उसको बदल दिया। तो अब अल्लाह ने वहां पर बरकत दो तरह की रखी है, पहली बरकत रूहानी बरकत है, सवाब के एतबार से बरकत है। मैं और आप एक फर्ज नमाज अपने घर में पढ़े तो एक नमाज के बदले एक नमाज का सवाब मिलेगा, उसी फर्ज नमाज को मैं और आप महल्ले के मस्जिद में आकर जमात के साथ पढ़ेंगे तो आप एक नमाज के बजाय 25 नमाजों का सवाब मुझे और आपको मिलेगा। इसी फर्ज नमाज को मैं और आप मस्जिद अक्सा में जाकर पढ़ेंगे तो अब ये 25 नमाजों के बजाय अल्लाह ताला 1000 नमाजों का सवाब देंगे। अगर उसी फर्ज नमाज को मैं और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला 1 फर्ज नमाज के बदले 50,000 फर्ज नमाजों का सवाब देंगे। अगर कोई इंसान, कोई खुश नसीब इंसान उसी फर्ज नमाज को अल्लाह ताला के घर के सामने खाने काबा में मस्जिद हराम में अदा करे तो अल्लाह ताला उसी एक फर्ज नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर देते हैं। यह है रूहानी बरकत। अब चीजों के एतबार से बरकत की जगह कैसी है? जब से काबा बना उस वक्त से लेकर आज तक लोग बराबर खाने काबा का हज कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम के जमाने से लेकर आज तक कितने लोग जा रहे हैं वहां पर हज के लिए, लाखों के लोग जमा हो रहे हैं, हर साल हज कर रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं। कभी आपने सुना कि मक्का मुकर्रमा में हाजियों के ज्यादा होने की वजह से पानी की कमी हो गई? कितने लोग हर हाजी वहां पर जाकर कुर्बानी देता है, कम से कम ये देने वाले 100 भी दे रहे हैं, 1,000 भी दे रहे हैं। कभी आपने सुना कि इस साल हाजी ज्यादा होने की वजह से मक्का मुकर्रमा में कुर्बानी के जानवर कम हो गए? कभी आपने सुना? नहीं सुना। और वापसी के वक्त कितने लोग बोतल
आपने ये नहीं सुना कि इस साल मक्का में जान मक्का जाने वाले हजों के पास खजूर ना होने की वजह से वो खाली हाथ जा रहे हैं? कभी आपने सुना? नहीं सुना। असल क्या है, अल्लाह ने इस जगह में अजीब और गरीब बरकत रखी। आप बेंगलुरु जाओ, एक मौसम गुजर, आप शॉपिंग मॉल चले जाओ बेंगलुरु के अंदर, रमजान की ईद के फरोग मान जाओ, वो आपसे कह देंगे साहेब माल स्टॉक नहीं है, ईद में सारा चला गया है, चंद हफ्तों के बाद आना। लेकिन आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि मक्का मुकर्रमा में किसी चीज की कमी हो गई। ये है बरकत अल्लाह ने वहां पर रखी। और तीसरी खसूसियत ये है कि सारे आलम के लोगों का मरकज है। हमारे अंदर खानदानी दुश्मनी है, हम जमात में बढ़कर आपस में लड़ रहे हैं, खानदान कबीले के नाम पर एक दूसरे का गिरेबान खींच कर लड़ रहे हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है सारी दुश्मनियों को भुलाकर सब एक ही तरफ फिर कर नमाज पढ़ते हैं, एक ही तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। कोई ये नहीं कहता कि अब तुमको दोस्त मेरा जानी दुश्मन है, वो उधर फिर कर नमाज पढ़ता है, मैं क्यों उधर फिर कर नमाज पढ़ो, मैं उधर फिर जाऊंगा। कोई ये नहीं कहता। सारी दुश्मनियां भुलाकर जब खड़े होते हैं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो मेरे दोस्तों, ये इस तरह का मामला है कि सारे आलम का ये मरकज है, सारे आलम के मुसलमान उसी की तरफ रुख करके झुक जाते हैं। अब अल्लाह ने कहा वलिल्लाह अलन्नासी हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। जो बंदे मुसलमान मालदार है, खाने काबा को पहुंचने की ताकत उनके पास है, तो अल्लाह कह रहे हैं ऐसे लोगों पर हज फर्ज हो गया है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो हज करें। सीख सुपारी के बागा, नारियल के बागा, बड़ी बड़ी तिजारतें अल्लाह ने मुझे और आपको पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं दी है। अल्लाह ने जो माल मुझे और आपको दिया है, इस माल के जरिए से अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह ने माल दिया है। लाखों के पैसे हैं, जवानियां गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन शौक का दिल में इरादा तक नहीं हुआ हज करने। अल्लाह ताला कहते हैं वमन कफरा फइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन। जो हज फर्ज होने के बावजूद, वाजिब होने के बावजूद, जो इंसान वो हज करने की ताकत अपने अंदर रखने के बावजूद अगर कोई इंसान हज नहीं करता तो काफिर है। काफिर दो तरह के हैं, ये कह के इस्लाम से हाथ धो बैठे। अगर कोई ईमानदार ये कहते अरे दुनिया में इस्लाम में हज वज कोई चीज नहीं, इस्लाम में हज नामी कोई चीज नहीं, ये मौलवी लोग अपनी तरफ से बना लिया है, अगर कोई आदमी इस तरह कहता है तो वो काफिर हो जाएगा। क्यों? हज का इल्म कुरान पाक से मिला है। हज के फर्ज होने का इल्म किससे मिला है? कुरान पाक से मिला है। और कुरान पाक का अगर कोई एक हुक्म में इनकार कर दे वो काफिर हो जाएगा। एक हुक्म में इनकार कर दे वो काफिर हो जाएगा। एक तो काफिर इस तरह का है, एक वो मुसलमान है, मानता तो है कि हज फर्ज है लेकिन इरादा नहीं कर रहा है, तो एक काफिर है इस माने में कि वो नाशुकरा है, अल्लाह की नेमत का नाशुकरा है, नाफरमान है, बदकिरदार है। अल्लाह के नबी ने कहा अगर कोई हज अदा करने की ताकत रखने के बावजूद अगर कोई हज अदा ना करे तो उस पर यह जरूरी नहीं कि वो जैसा चाहे मर जाए, चाहे मुसलमान होकर मरे, चाहे यहूदी या गैर मुस्लिम होकर, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। पैगंबर इस्लाम ने कहा आज नमाज पढ़ना आसान, जकात देना आसान, लेकिन हज के लिए बड़ी रकम लग रही है, हज अदा करने के लिए हम तैयार नहीं। दोस्तों, जिन पर जिनके
पास माल है। याद रखो, जिस माल को तुम तिजोरियों में जमा कर 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 रख रहे हो, इसी माल के जरिए से कल कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देंगे। और तुम कहोगे, या अल्लाह ये कैसा अज़ाब है? आप अज़ाब मुझे उन नोटों के जरिए से दे रहे हैं जिनको कमाने के लिए मैं दुनिया में ना धूप की परवाह किया, ना बारिश की परवाह किया, ना ठंड की परवाह किया, ना बीमारी की परवाह किया, ना खुशी की परवाह किया, ना गम की परवाह किया, सारी जिंदगी झुकाकर मैं माल हासिल किया और इसी माल के जरिए से आप मुझे अजाब दे रहे हैं। अल्लाह कहेंगे, मियां चको, माल का हक अदा नहीं हुआ था तो अपने माल ही के माल ही को अजाब की शक्ल में मजा बनाकर चक लो। तो दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं। बहुत सारों पर हज फर्ज है हमारे इलाके में। जाओ, अब आप कहेंगे कि हज फर्ज है लेकिन जाने से सारा खाली हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, आप बरकत की जगह जा रहे हो, वहां से अल्लाह आपको उससे दुगना तिगना उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह आपको नवाज कर भेजेगा। आप और मालदार होते चले जाएंगे। और एक तो यह हज के बारे में हुआ, जो लोग मालदार हैं वो अभी अब तो मौका नहीं है कि सारे टिकट बुक हो गई, लेकिन आइंदा साल के लिए मुकम्मल इरादे करें, तरतीब बनाए। और याद रखो, हज माल के बलबोते पर नहीं होता, पावर के बलबोते पर नहीं होता, वहां पर हाजिरी माल के अकड़ के वजह से नहीं मिलती। मिसाल दो, हमारे इसी हिंदुस्तान में 850 साल मुगलिया सल्तनत यानी मुसलमानों की हुकूमत थी। कितने साल? 850 साल मुगलिया सल्तनत ने इस हिंदुस्तान पर राज किया। लेकिन आपको एक बादशाह के बारे में भी ये नहीं मिलता कि उसने हज किया। कितना माल था उनके पास? माल और तिजारत, जेवरात, हीरे जवाहरात के ढेर से ढेर लगे हुए थे महलात में, लेकिन दिल में कभी इरादा नहीं आया तो अल्लाह ने भी नहीं बुलाया। सबसे पहली बात यह है कि दिल को साफ करो, दिल के अंदर एक पुख्ता इरादा करो, वहां पर पहुंचने का। सिर्फ उन 850 साल में एक बादशाह ने हज किया, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े मुत्तकी बादशाह थे, हुकूमत का एक पैसा नहीं खाते थे, और कुरान लिखकर बेचकर उस पर का पैसे, वो कुरान पूरा लिखकर बाजार में बेचते, उससे जो पैसे आते खर्च चलाते। एक बादशाह ने किया हज। इससे साफ ही पता चलता है कि हज का और माल से कोई ताल्लुक नहीं है। सच्चा जज्बा हो और जबान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की कसरत हो और थोड़ी थोड़ी रकम जमा करे और दुआ करते रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह जैसे तेरे बंदे और हाजिर थे हम भी इस दुनिया में हाजिर है, ऐ अल्लाह जैसे तूने उनको बुलाया वैसे हमें भी बुला सकता है, बुला ले, दुआ करते रहे। एक तो हज से मुताल्लिक ये बात, और दूसरी अहम बात यह है कि अभी चंद ही दिनों में बकर ईद और कुर्बानी का निजाम शुरू होगा। जानवर जैसे लाए आपकी मर्जी, लेकिन ये मुल्क जो है हमारा मुल्क, ये जमहूरी मुल्क है, हर तरह की जात पात यहां पर रहती है। आपको शरीयत भी यही सिखाती है कि किसी का दिल आप ना तोड़े। आपका पड़ोसी, आपका गांव वाला, अगर वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, आपकी इबादत से अगर उसको तकलीफ पहुंचती हो तो आपकी इबादत के कबूल होने में शक है। हमारी शरीयत कितनी पाकीज़ा शरीयत है। तो दोस्तों, चूंकि एक मखसूस तबका इस मुल्क का एक मखसूस जानवर को बड़ी इज्जत की निगाह से देखता है, तो लिहाजा हम अपनी कुर्बानियों को कहीं छुपा कर
क्योंकि उनके जज्बात से एक तरह का खिलवाड़ हो जाता है। कहीं आंसरेंगे नुमाइश किए बगैर, कुर्बानी छपा कर दो, खुले आम दो हो जाएगी कुर्बानी। मैं असल क्या है, खुद का बेला है, चाहे गली में लुड़का हो, चाहे बंद कमरे में लुड़का हो, चाहे बागीचे में लुड़का हो, खुद बेहतर आपकी कुर्बानी हो जाए। असल जो राजी करना है वो अल्लाह को खुश करना है, दूसरे इंसानों को जलाना या उनको तकलीफ देना यह मकसद नहीं है। असल जो है अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत आसानी से पर्दे की जगह भी हो सकती है। और जब आप एक मखसूस जानवर लेकर आए, उसकी शोहरत भी ना करें, उसकी तस्वीर भी ना करें कि खींचते हुए उनके उस कौम के सामने से लेकर जाए, इस तरह लाए एक जगह रख दें, फिर उसकी बड़े अदब एहतराम से उसकी परवरिश करें। तो दोस्तों इसके बाद जो दिन शुरू होंगे, जैसे जैसे बकरीद करीब आती जाएगी, एक एक रात अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ी है। ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होता है तो उसके शुरू के 10 दिन बड़े अदब एहतराम के हैं, इबादत की कसरत करो। खासकर वो जो रातें आएंगी ईद से 10 दिन पहले की, वो इबादतों का मकाम और मर्तबा अल्लाह के पास बहुत बड़ा है। उन रातों में, ईद से 10 दिन पहले की रातों में खूब अल्लाह की इबादत करो और खूब दुआएं करो, अल्लाह आपको देगा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।